अम्मा जी के साथ में मतलब अभी जितना खाने में स्वाद आ रहा है ना मज़ा, उतना ही मज़ा इनके साथ काम करके आया है। बहुत बहुत कमाल का एक्सपीरियंस रहा। पहली बार इनसे मेरी मुलाकात ही इस फिल्म के ज़रिए हुई, तो इतना। और जब रिव्यूज़ में हम पढ़ रहे हैं, जैसे आपने बोला हमारी केमिस्ट्री की बात हो रही है, क्रैकलिंग केमिस्ट्री, मतलब आई एम सो हैप्पी, क्योंकि हम जब पहली बार मुलाकात हुई थी उसी दिन एक वो केमिस्ट्री, एक बॉन्ड क्रिएट हुआ था जो फिल्म में नज़र आता है। सो आई एम वेरी हैप्पी। और मैं बोलना चाहूँगी अपने प्रोड्यूसर्स के लिए, आई थिंक नीतीश सर, अश्विनी मैम, रॉनी सर, जी, आई थिंक उन्होंने एक छोटी सी फिल्म को, एक बहुत प्यारी सी फिल्म को, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिल्म को एक जो स्टैंडिंग दी, एक जो शोकेसिंग दी है, वो आई थिंक बहुत ज़रूरी है। आई थिंक ये ऐसी कहानियाँ हैं हिंदुस्तान की हमारी, जिनको बताना चाहिए, लोगों को पता होना चाहिए कि कैसे कैसे लोग यू नो इंडिया में रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स, होम ग्रोन वॉइसेस, जिन्होंने एक्चुअली अपनी लाइफ तो सुधारी है बट कितना बड़ा काम किया है फॉर टुवर्ड्स वुमेन एम्पावरमेंट। सो आई थिंक फुल क्रेडिट गोज टू द एंटायर टीम। शारिब ऑफ कोर्स इज बीन अमेजिंग टू वर्क विद, बहुत मज़ा आया शारिब के साथ काम करके। एंड आई थिंक इम्पॉर्टेंट जो है, हम तो रात से ही जो रिव्यूज़ पढ़ रहे हैं और जो फीडबैक आ रहा है, मैं सुबह उठी तो मैंने देखा ऐसे 25 मैसेज है, मैंने कहा अरे बाप रे इसको रिप्लाई करना है। और इतने सारे रिव्यूज़ भी, सारे रिव्यूज़ आई थिंक हम दोनों के काम की तारीफ़ कर रहे हैं। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल, वेरी थैंकफुल टू पीयूष, उन्होंने बहुत प्यारी स्क्रिप्ट लिखी, उनका कन्विक्शन था, सिंगुलरली उनका कन्विक्शन था, और उनका कन्विक्शन था तो हम सब उनके साथ, उनके ड्रीम के साथ जुड़ गए। मैं तो इनको थैंक यू बोलना चाहूँगी क्योंकि वाकई पिछले 100-150 सालों से करेक्ट ये मुंबई की लाइफलाइन रहे हैं, ये ना हो तो लोग भूखे रहे। एंड आई थिंक कहीं ना कहीं हमारी फिल्म के साथ ही जुड़े भी हुए हैं इन अ सेंस, क्योंकि तरला जी भी यही करती थी, खाने के थ्रू लोगों की लाइफ बदलती थी, वैसे ये लोग जितने लाइफ बदलते हैं, जितने डब्बे ये घर घर पहुंचाया करते थे, उन डब्बों में हो सकता है मतलब तरला जी की रेसिपीज बंद होंगी काफी, तो मतलब चोली दामन का साथ है बिल्कुल एकदम। तूने ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइफ कटेंगे, मैंने एक डब्बा खत्म कर दिया। हर तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है आज तक, मगर ऐसी खाओ प्रेस कॉन्फ्रेंस आज तक नहीं देखी है। हम खुद भी खा रहे हैं, सबको खिला रहे हैं। ये करेक्ट है एक्चुअली। आई थिंक ढोकला इज वन ऑफ माय फेवरेट थिंग्स टू ईट। आई नो इट साउंड्स फनी, आई एम अ मीट ईटर, बट अगर वेजिटेरियन स्नैक्स की बात करें तो ढोकला और दिस पातरा इज वन ऑफ माय फेवरेट। मेरा भी पातरा बचपन से मेरा ये फेवरेट। आई लव दिस, आई लव, उस दिन मैंने बनाया भी पता है, मेरा खाली हो गया ये ले। हाँ आपको क्या क्या पसंद आ रहा है इसमें से बताइए, आपका फेवरेट क्या है? अरे वाह, आपके घर पे क्या बनता है ज्यादा? यही बनता है, आप बनाते हो? हाँ बोलो ना। अरे वाह, अगले प्रमोशन में आप बना के लेके आना ना।